उसी सीट की जीत पर उछल रहे थे अखिलेश बाबू, शाह ने रातों रात कर दिया बड़ा खेल। पिछड़ी जातियों पर अधिकार जता रहे थे चाचा और भतीजे, शाह ने मैदान में उतार दिया अपना सबसे धांसु कमांडर। केशव प्रसाद मौर्य की एंट्री ने बिगाड़ दिया दोनों का खेल। मैदान में आते ही चित्त हो गए चाचा और भतीजे। 2022 के बाद से ही अखिलेश यादव विधानसभा में अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहे हैं, लेकिन एक गजब की बात सदन के अंदर देखने को मिली। जब जब सदन के अंदर केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे, तब तब अखिलेश बाबू मेज के पीछे और अपनी कुर्सी से चिपक कर बैठे रहे, क्योंकि जब जब सियासी नैतिकता को तोड़ने की कोशिश सपा के किसी नेता ने की, तो बीजेपी ने हमेशा अपने इसी धुरंधर को आगे किया है, जिसने एक झटके में साइकिल वाली पार्टी के नट बोल्ट सलीके से कसे हैं। घोसी में जीत के बाद से ही अखिलेश बाबू गजब का ज्ञान दे रहे थे, पिछड़ी जाति पर अधिकार जता रहे थे, लेकिन जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य मैदान में आए तो बोरिया बिस्तर बांध निकल लिए। बीजेपी की इस रणनीति को या तो अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव समझ नहीं पाए, या फिर समझ कर भी अनजान बने रहे। घोसी सीट पर जीत को अपना शानदार प्रदर्शन समझने वाले सपा नेताओं को एक झटके में पूरा का पूरा ज्ञान केशव प्रसाद मौर्य ने दे दिया। परिणाम आने के फौरन बाद केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी दी गई कि बीजेपी के उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बैठक करने की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य को है, जिसका मकसद प्रदेश के सभी पिछड़ी जातियों को पार्टी से जोड़ना है। यूं तो बीजेपी में कई पिछड़ी जाति के नेता हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के कमाल को मोदी और शाह 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में देख चुके हैं। उसी कमाल की उम्मीद फिर से केशव प्रसाद मौर्य से है। वैसे भी शिवपाल की सपा में वापसी के बाद समीकरण बदले हैं, लेकिन बीजेपी के चाणक्य अमित शाह इस बात को बखूबी समझते हैं कि चाचा भतीजे की जोड़ी को चित्त करने की ताकत केशव प्रसाद मौर्य में ही है। तभी तो जब जब अखिलेश यादव ने सदन में हद पार करने की कोशिश की, तब तब वो केशव प्रसाद मौर्य ही थे जिन्होंने एक झटके में जमीन पर ला दिया था। और केशव प्रसाद मौर्य के पीछे उत्तर प्रदेश के ज्यादातर पिछड़ी जाति के नेता खड़े नजर आते हैं। दरअसल बीजेपी का पिछड़ा मोर्चा घोसी उपचुनाव में मिली हार की समीक्षा में जुट गया है, क्योंकि देखा जाए तो घोसी सीट पर सबसे ज्यादा आबादी पिछड़ों की थी, लेकिन उसके बावजूद ये पिछड़ों का समर्थन उस तरीके से नहीं मिला जैसा कि मिलना चाहिए था। इसको लेकर अब पिछड़ा मोर्चा हर पैमाने पर इसकी समीक्षा कर रहा है, साथ ही 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर नए सिरे से रणनीति भी तैयार की जा रही है। घोसी उपचुनाव सीट पर हुए सफलता हासिल करने के लिए बीजेपी ने जातीय समीकरण साधे थे, और यही कारण था कि हर जाति के मंत्रियों को भी इसकी कमान दी गई थी, लेकिन बीजेपी के सभी जातीय समीकरण फेल हो गए और समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने घोसी में रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कर ली। बीजेपी उम्मीदवार 86,000 के अपने पुराने वोट संख्या तक नहीं पहुंच पाए। सपा की तरफ से ठाकुर कैंडिडेट होने के बावजूद अखिलेश यादव का पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक मुसलमान का समर्थन सुधाकर सिंह को मिला।